आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिले के ग्राम प्रधानों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी। वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 3 मोटरसाइकिल व 1 होंडा एक्टिवा किया बरामद। सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने किया खुलासा। रविवार की रात्रि में गुमशुदा बच्चे को सिकरीगंज पुलिस ने 5 घंटे के अंदर सकुशल किया बरामद। परिजनों को किया सुपुर्द। बच्चों को पाकर परिजनों के खिले चेहरे। दिया पुलिस को धन्यवाद। यातायात पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ चलाया अभियान। नो पार्किंग में खड़े 4 पहिया वाहनों में लगा रही क्लैपिंग लॉक। वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़े करने की जा रही है अपील। पिपराइज ब्लॉक के आगेया ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने लगाया चौपाल। कहा, अधिकतर मामले विद्युत जर्जर पोल को बदलवाने, राशन वितरण में घटतौली व शौचालय दिलवाने से आए संबंधित समस्याओं का निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 25,000 के इनामी अभियुक्त को उरवा बाजार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा व कारतूस किया बरामद। सीओ गोला ने किया खुलासा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के तत्वावधान में हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप जयंती पर एक गोष्ठी का किया गया आयोजन। लिया गया उनसे प्रेरणा, लेकर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प। और योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति किया गया जागरूक। जैसे विभिन्न माध्यमों से हम लोग क्षमता वृद्धि कर रहे हैं। कुछ प्रधान जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उनके प्रस्तुतिकरण हो रहे हैं, उनका सम्मान भी हो रहा है, और साथ साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता और अन्य बिंदुओं के बारे में भी उनको जागरूक किया जा रहा है।